हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली एक और शॉपिंग का हॉल वीडियो फ्रॉम मीशो। तो आज के हॉल में जो भी आउटफिट मैं दिखाने वाली हूँ, सारे के सारे मीशो से हैं। कुछ जो है फेस्टिवल के लिए रहेंगे एंड कुछ डेली यूजेस के लिए रहेंगे, मिक्स हॉल रहेगा। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ इंस्टा पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का हॉल वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कुर्ती मैं शेयर करने वाली हूँ, ये रेड कलर की स्ट्रेट कट में कुर्ती आएगी, जो कि कॉटन यार्न ब्लेंड फैब्रिक में है। ये वाली कुर्ती डेली यूज़ के लिए, ऑफिस वगैरह के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, गिफ्टिंग के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। प्रिंटेड है, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है। फ्रंट एंड बैक साइड आप देख सकते हो, दोनों साइड से पूरा प्रिंटेड रहेगा। 3/4 आपको यहाँ पे स्लीव्स मिल जाएगा। क्वालिटी वाइज अच्छा है, पहनने पर कंफर्टेबल है। वाइट कलर के ट्राउजर के साथ आप कंफर्टेबली वेट कर सकते हो। नेक्स्ट जो मैं शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही प्यारा सा, ये आप बोल सकते हो एज अ ड्रेस या फिर आप कुर्ती की तरह पहन सकते हो, बहुत ही प्यारा सा ये रहेगा। बट ये है कुर्ती एक्चुअली, एंड ये ट्रांसपेरेंट भी है। सो आपको इसको कोई ना कोई येलो या तो फिर वाइट कलर के ट्राउजर के साथ वेयर करना पड़ेगा। सो यू कैन सी यहाँ पे वी शेप में आपको नेक मिलेगा, एंड नेक पे बहुत ही प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिलता है। 3/4 आपको यहाँ पे स्लीव्स मिल जाएगा, और काफ़ी सॉफ्ट इसका फैब्रिक है। कॉटन लिनन जैसा होता है ना, बिल्कुल उस टाइप का इसका फैब्रिक रहेगा। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। ये वाला कुर्ते की बस एक ही चीज़ है कि ये ट्रांसपेरेंट रहेगा, तो आप इसके साथ में कोई भी ब्लैक कलर का इनर डाल सकते हो। स्ट्रेट कट में कुर्ता आता है, फ्रंट एंड बैक साइड आप देख सकते हो, बोथ साइड में सेम कॉन्सेप्ट रहता है। एंड ये जो डिज़ाइन है ना, ये इस फैब्रिक में ही है, तो ओवरऑल लुक तो इसका बहुत सुंदर है। एंड बैक साइड में शोल्डर पे आपको जो है ना, कुछ इस टाइप का एम्ब्रॉयडरी वर्क भी मिलता है। तो काफ़ी प्यारी कुर्ती है, लुक वाइज बहुत अच्छी लगती है। तो डेफिनेटली अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बस ये ध्यान रखिएगा कि ये ट्रांसपेरेंट रहे। पिक कराया ना, ये मैंने लिया एक प्यारा सा ड्रेस, तो ये जॉर्जेट के फैब्रिक में है, एंड ये एक ड्रेस रहेगी। बहुत ही प्यारी सी ड्रेस है, और कलर भी इसका बहुत सुंदर लगा मुझे। इसमें आपको और भी कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो यू कैन सी यहाँ पे आपको काफ़ी प्यारा सा ये सीक्वेंस एंड एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिलता है, जो कि आपको बस्ट एरिया में मिलेगा। एंड ये जो ड्रेस है ना, ये मीडियम लेंथ का रहता है, कुछ इस टाइप का। इसमें फ्लेयर वगैरह आपको अच्छा मिलता है। 3/4 आपको यहाँ पे स्लीव्स मिलेगा, जिसमें आपको इलास्टिक लगाया हुआ मिलेगा। इसका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है, बैक साइड से प्लेन रहने वाला है। तो अगर आपको वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना ज़्यादा पसंद है, कंफर्टेबल लगता है, तो आप ये वाला ड्रेस भी ले सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा। बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, मीडियम लेंथ का है, तो आप कंफर्टेबली इसको वेयर कर सकते हो। नेक्स्ट जो कुर्ती मैं शेयर करने वाली हूँ, ये एक अनारकली कुर्ती रहेगी, रियॉन का इसका फैब्रिक है। तो यहाँ पे पैरेट ग्रीन कलर में ही आएगी। इसमें आपको और भी कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट मैंने ये पैरेट ग्रीन कलर लिया है। तो यहाँ पे आप देखोगे सीक्वेंस का आपको डिटेलिंग मिल रहा है, थ्रेड का वर्क मिल रहा है। 3/4 आपको यहाँ पे स्लीव्स मिलता है, इसमें आपको प्रिंट मिलता है। नेक पे आपको वर्क मिलेगा, बट या पूरी कुर्ती में जो है ना, आपको प्रिंट मिल जाता है। फ्रंट एंड बैक साइड बोथ साइड में आपको जो है ना, प्रिंट मिल जाएगा। इसकी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है, पहनने पर कंफर्टेबल है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो आप इसको किसी भी वाइट कलर के लेगिंग्स के साथ में या फिर ट्राउजर के साथ में आराम से कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, पहनने पर सुपर कंफर्टेबल रहती है। तो फेस्टिवल के लिए अगर आप कुछ अफोर्डेबल लेना चाहते हो, तो ये आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट जो कुर्ती मैं शेयर करने वाली हूँ, ये सिल्क में आएगी, और इसमें आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर आपको जो है ना, थ्रेड एंड सीक्वेंस का वर्क मिलता है। 3/4 आपको यहाँ पे स्लीव्स मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो अगेन आपको सीक्वेंस एंड थ्रेड का वर्क मिलता है। बैक साइड से बिल्कुल प्लेन रहेगी ये, इसमें आपको लाइनिंग भी मिल जाता है। तो पूरा ये हैवी वर्क में कुर्ती रहेगा, जो कि फेस्टिवल के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप सिल्क में लेना चाहते हो, तो ये आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सही प्राइस में आपको ये मिल जाती है। साइज़ इसमें जो मैंने लिया है, वो मैंने XL साइज़ लिया है। इसमें आपको लाइनिंग वगैरह सब कुछ मिल जाता है, तो ट्रांसपेरेंट वगैरह का कोई इशू नहीं रहता है। नेक्स्ट जो मैं शेयर करने वाली हूँ, वो रहेगा हमारा ये वाला वायलेट कलर का कुर्ता सेट, जो कि जॉर्जेट के फैब्रिक में है। एंड ये जो है ना, कुर्ता सेट है, कुर्ती नहीं है ये। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कुर्ती के बारे में। तो ये कुछ इस टाइप की स्लीवलेस फ्रंट स्लिट कुर्ती रहेगी, और नीचे का जो इसका फैब्रिक रहेगा वो शीयर रहेगा, और काफ़ी सुंदर सा ये आपको कुर्ता मिल जाएगा, जिसमें आपको काफ़ी सुंदर सा सीक्वेंस का एंड थ्रेड का वर्क मिलता है बस्ट एरिया में। यहाँ पे डोरी का डिटेलिंग मिल जाएगा, और ये कुछ इस टाइप का आपको ये कुर्ता मिलता है। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, एंड काफ़ी स्टाइलिश एंड इंडो वेस्टर्न लुक में अगर आप लेना चाहते हो ना, तो ये बिल्कुल उस टाइप का ही रहता है। इसके साथ में आपको जो है ना, दुपट्टा एंड प्लाजो मिलेगा। तो यहाँ पे जो प्लाजो रहेगा, ये आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का रहेगा। इसमें लाइनिंग दिया गया है, एंड फ्लेयर बहुत ज़्यादा अच्छा आपको मिल जाता है। तो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, यहाँ पे आपको इलास्टिक मिल जाएगा, तो कंफर्टेबल भी है,
क्वालिटी भी इसकी अच्छी मिल जाएगी, तो डेफिनेटली आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इसमें आपको मिल जाएगा दुपट्टा जो कि कुछ इस टाइप का रहेगा, और ये जो दुपट्टा है ना थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा, तो अगर आपकी जो हाइट है ना वो 5.5 से कम है तो ये आपको आराम से बहुत ही प्यारा लगेगा आपके ऊपर। बट अगर ज़्यादा है तो ड्रेस तो ठीक लगेगा बट दुपट्टा का लेंथ छोटा होने की वजह से ये इतना ज़्यादा प्यारा लुक नहीं देगा। बट अदरवाइज़ आपको अगर पसंद आ रहा है तो आप बाय कर सकते हो, क्वालिटी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यस दुपट्टा इसमें आपको छोटा मिलता है। नेक्स्ट जो कुर्ता सेट मैं शेयर करने वाली हूँ ये कॉटन में रहेगा, बहुत ही प्यारा पीस है। अगर आप बहुत ज़्यादा तामझाम में नहीं पड़ना चाहते तो इस टाइप का कोई पीस आप ले सकते हो जो कि बहुत कंफर्टेबल हो एंड पहनने पर भी लुक अच्छा आए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो इसका अट्रैक्टिव सा ये नेक रहेगा जिसमें आर्टिफिशियल ग्लास का वर्क मिलता है आपको, थ्रेड का वर्क मिलता है। 3/4 यहाँ पे आपको स्लीव्स मिल जाएगा जिसमें अगेन वर्क मिलेगा एंड पूरा ये कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट रहता है। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, पूरा ये कॉटन में रहता है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, पहनने पर सुपर कंफर्टेबल रहता है एंड पूरा ये अनारकली कॉन्सेप्ट में है। बट इसका जो फ्लेयर है बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड दिया गया है, तो लुक वाइज काफ़ी अच्छा लगता है पहनने पर एंड आप इसको कंफर्टेबली वेयर भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप वेयर नहीं कर सकते। इसके साथ में आपको मिलता है ये वाला बॉटम वेयर जो कि पूरा लेरिया कॉन्सेप्ट में रहता है एंड क्वालिटी वाइज मैं बोलूँगी कपड़ा वगैरह, फैब्रिक वगैरह, डिज़ाइन वगैरह सब कुछ सही है। तो अगर आप लेना चाहते हो उसको तो आप बाय कर सकते हो, आई थिंक ये 800 से 900 के बीच में कुछ इसका प्राइस पड़ता है, एग्जैक्ट प्राइस मुझे भी याद नहीं है। आप इसको रेगुलर वॉश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, पूरा इसका फैब्रिक जो है कॉटन का रहता है। नेक्स्ट जो कुर्ता सेट मैं शेयर करने वाली हूँ ये भी एक बहुत ही प्यारा सा कुर्ता सेट रहेगा जो कि नेक इसका काफ़ी हैवी रहेगा और यह जो है ना थोड़ा सा ऑर्गेन्जा ब्लेंड फैब्रिक में आता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस टाइप का आपको कुर्ता मिलता है जिसमें वी शेप में यहाँ पे आपको नेक मिलेगा जिसमें थ्रेड वर्क है, बाकी पूरी जो कुर्ती है ना वो प्रिंटेड रहेगी जो कि ऑर्गेन्जा काइंड ऑफ इसका फैब्रिक रहता है। फ्रंट एंड बैक साइड यू कैन सी बोथ साइड में आपको काफ़ी अच्छा प्रिंट मिलता है। 3/4 यहाँ पे आपको स्लीव्स मिल जाएगा, क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी लगती है पहनने पर, क्वालिटी आपको जो है ना सही मिलती है, आप इसको वॉश भी कर सकते हो, फैब्रिक इसका ख़राब नहीं होगा। इसके साथ में आपको मिलता है कुछ इस टाइप का बॉटम जो कि आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का रहेगा, बैक साइड में यहाँ पे इलास्टिक आ जाएगा और ये जो है ना कुछ इस टाइप का बॉटम रहेगा। फ्लेयर आप खुद देख सकते हो, काफ़ी अच्छा सा फ्लेयर आपको मिलता है और ट्राउज़र का लेंथ वगैरह सब कुछ सही मिलता है, एंकल लेंथ है बट फिर भी काफ़ी अच्छी लेंथ आपको मिल जाती है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट सा ट्राउज़र बनाया हुआ मिलता है क्योंकि काफ़ी सारे एंकल लेंथ ट्राउज़र होते हैं ना इतने ज़्यादा शॉर्ट होते हैं, काफ़ी सारे लोग पहनना पसंद नहीं करते। और इसके साथ में जो दुपट्टा आएगा ये कुछ इस टाइप का रहेगा, इसमें ये प्रिंटेड फैब्रिक लगा हुआ रहेगा बॉर्डर पे एंड पूरा जो दुपट्टा रहेगा वो शिफॉन का प्लेन दुपट्टा आएगा। तो ओवरऑल एक प्यारी ड्रेस है अगर आप लेना चाहते हो अफोर्डेबल प्राइस में, साथ ही साथ एक सटल लुक के साथ में आता है, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है। नेक्स्ट जो सूट मैं शेयर करने वाली हूँ ये रहेगा कुछ इस टाइप का सूट और ये मॉफ कलर में आता है, बहुत ही प्यारा कलर है इसका। सो यू कैन सी यहाँ पे ये लेरिया कॉन्सेप्ट में कुछ इस टाइप का कुर्ता रहेगा, बहुत ही प्यारा सा कॉटन का। यहाँ पे आप देख सकते हो नेक पे आपको कितना सुंदर सा सीक्वेंस एंड थ्रेड का वर्क मिलता है, पूरा ये लेरिया कॉन्सेप्ट में आपको कुर्ता मिलेगा कॉटन का। फ्रंट एंड बैक साइड बोथ साइड में आपको सेम कॉन्सेप्ट मिल जाता है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, फिटिंग आपको बहुत ज़्यादा सही मिल जाती है, साथ ही साथ आप इसको रेगुलर वॉश भी कर सकते हो, तो आप इसको छोटे मोटे फंक्शंस में भी पहन सकते हो, लुक इसका बहुत ही अमेजिंग आने वाला है। इसका जो दुपट्टा है वो फुल लेंथ आता है एंड इसमें आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर सा ये बांधनी का एंड साइड में ये लेरिया का आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, तो क्वालिटी एंड प्रिंट दोनों ही बहुत मस्त है, डेफिनेटली गो फॉर दिस। साथ में इसका जो बॉटम आएगा एंकल लेंथ रहेगा बट यस फ्लेयर आपको बहुत अच्छा मिलता है, तो आप इसको कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो। रेयन का इसका फैब्रिक रहेगा, क्वालिटी बहुत अच्छी है और इलास्टिक वगैरह जो इसमें दिया गया है वो भी आपको सही मिलता है। इसमें आपको राइट हैंड साइड में जो है ना पॉकेट भी मिल जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ओवरऑल मैं कहूँगी ड्रेस बहुत अच्छा है, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा वर्थ इट रहेगा। इसमें आपको डिफरेंट कलर्स भी मिल जाएंगे बट मुझे ये कलर थोड़ा सा डिफरेंट लगा तो इसलिए मैंने इसको चूज़ करा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल रहा आप सबके लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।